नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स टाटा पावर को लेकर हमेशा रहते हैं। इस स्टॉक पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हैं और मुझे लगता है बेस्ट स्ट्रेटेजी पूरे बाजार में अगर आप मेरे से पूछो ना, अगर मैं किसी स्टॉक पे दे सकता हूं तो वो टाटा पावर का स्टॉक है। इस स्टॉक की बात करें तो शॉर्ट में इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो 11 महीने से इस स्टॉक ने आपको पैसा बना के दिया ही नहीं है, ये इसकी हकीकत है। और इतना ज्यादा ऊपर नीचे झूल रहा है ये स्टॉक पिछले 11 महीने में कि हर एक बंदा इससे फ्रस्ट्रेट है। जो इसको होल्ड करता है वो तो डेफिनेटली इससे फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, बेचना चाहता है। और जो इसको नहीं खरीद रखा, जो खरीदना चाहता है, वो बस यही सोचता रहता है कब खरीदूं। और ये एक तरीके का, अगर आप मैं आपको बोलूं आज से एक साल पहले का ITC है तो गलत शब्द नहीं होगा, क्योंकि 11 महीने से इतनी ज्यादा रेंज प्ले हो रही है इस स्टॉक में, बिल्कुल रेंज बाउंड। और इसी बीच में आपको पैसा बनाने का मौका कंटिन्यू मिलता रहता है ट्रेडर हो तो। इन्वेस्टर्स को पिछले 11 महीने में इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ परेशान करा है। जिसके पास है वो टोटली मेरी बात से एग्री होगा, टोटली कोई भी उसके मन में सवाल नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है भाई जो बंदा बोल रहा है अगला वो एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि होल्ड करता हूं मैं। मतलब मैं होल्ड नहीं करता, आप ऐसा बोलोगे, क्योंकि मैं होल्ड करता तो मैं डिस्क्लेमर दे देता, मेरे पास टाटा पावर के शेयर्स नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब टाटा पावर के बारे में बात करें तो 228 के लेवल्स की क्लोजिंग आई है। नंबर्स आपने देखे थे कितने शानदार थे, नंबर्स वाले दिन स्टॉक का भाव 224 था एंड 230 के हमारे टारगेट्स थे जो कि अचीव हुए। अभी 228 पे चल रहा है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भाई ये स्टॉक गिरेगा, हर नंबर्स के बाद गिरता है। हर नंबर्स के बाद जो होता है छोड़ दो, स्टॉक आपको कैसे नंबर्स लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं ना तो आगे बढ़ ही जाएगा। एट द एंड कंपनी किस पे चलती है, अर्निंग्स पे। शॉर्ट टर्म में कभी न्यूज पे चलेगी, कभी मार्केट के साथ चलेगी, कोई इवेंट के साथ चलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसके हिसाब से चलेगी, अर्निंग्स के हिसाब से, कमाई के हिसाब से। जितनी ज्यादा कमाई होगी मार्केट कैप बढ़ता चला जाएगा और कंपनी का शेयर प्राइस भी गेन करता चला जाएगा। अब 228 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखोगे 3 महीने का, तो एक बड़ी कैंडल जो गिरावट के साथ आपके साथ बनती हुई दिखी थी, लगभग 15 सितंबर से गिरावट स्टार्ट हुई है स्टॉक में एंड वन साइडेड पहली गिरावट 232 तक आई, 245 से। उसके बाद हल्का सा रिवर्सल 235 तक, फिर बड़ी गिरावट अराउंड 215, फिर एक रिवर्सल 217 218 की, फिर बड़ी गिरावट और स्टॉक ने लो लगाया 212 का, यानी 245 से 210 रुपये तक वन साइडेड गिरावट। उसके बाद कंटिन्यू हायर हाइज लगे हैं, जो भी स्टॉक ने नीचे गिरते गए फिर ऊपर गया है, उसके बाद दोबारा अपना लो ब्रेक नहीं करा। फॉर एग्जांपल ऐसे गिरा स्टॉक, अब यूं ऊपर आया ना तो इतना ही नीचे आया, फिर यहां से और ऊपर चला गया, फिर इतना आया, फिर इस तरीके से बन रहा है ट्रेंड जो है, इस तरीके से बन रहा है। अब ये जो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक का पहला हर्डल आएगा 235 पे। जैसे कि मैंने आपको बताया वन साइडेड गिरा था और जो रिवर्सल हल्का सा आया था वो 235 तक आया था, वो लेवल आएगा पहला हर्डल 235 का, जहां तक मैं स्टॉक को जाते हुए देख रहा हूं वन साइडेड। उसके बाद अगर लेवल निकलता है तो दोबारा से 245 242 टेस्ट करेगा स्टॉक और वहां इसकी कहीं ना कहीं जो अपर रेंज है वो प्ले होती हुई दिखेगी और फिर वहां पे हम सोचेंगे कि ठीक है निकलना ही अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी 249 पे एग्जिट दिया था हमने, एकदम बेस्ट लेवल लगा, बेस्ट लेवल। अब आते हैं कि ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा स्टॉक है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो स्टॉक अराउंड 70 और 71 रुपीज की बुक वैल्यू है, यानी 3 times के अराउंड ट्रेड करता है स्टॉक, ठीक है। तो कोई खराब नहीं दिखता मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 24 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, तो ठीक है इतना चलेगा यार। मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है, कंपनी का केपेक्स प्लान 75,000 करोड़ का है, तंगड़े केपेक्स प्लान है और रिन्यूएबल्स पे स्पेशल फोकस है। 14,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने इसी साल कराया, जिसमें से 10,000 करोड़ का केपेक्स रिन्यूएबल्स में होता हुआ आप सभी ने देखा है। कंपनी के जो नंबर्स आए उसमें रिन्यूएबल्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था, मुझे लगता है आने वाले समय में तंगड़ा रिटर्न्स देने की दम रखता है। अब जैसा कि मैंने कहा 11 महीने में अगर किसी ने खरीदा तो उसे कुछ नहीं मिला, एक रेंज मिली, एक फ्रस्ट्रेशन मिला, इरिटेशन मिला और कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 साल की बात करें तो इस स्टॉक ने बहुत बड़ा पैसा बनाया दोस्तों, लगभग 328 का। इस स्टॉक में मैं सिर्फ एक ही राय दूंगा, चाहे इन्वेस्टर हो तो या ट्रेडर हो। ट्रेडर के लिए तो हालांकि अब बहुत दूर हो जाएगा स्टॉप लॉस, इन्वेस्टर हो तो बात करते हैं पहले फिर ट्रेडर की बात करेंगे। इन्वेस्टर हो तो 200 रुपये एक ऐसी लाइन है इसके लिए कि उसके नीचे आप समझो कि ये एक कुआ है, कि अगर 200 के नीचे आया तो भाई मर जाना है, मैंने कुएं में गिर जाऊंगा मैं। तो मैंने क्या करना है, 200 के नीचे जैसे ही स्टॉक निकलेगा इस लाइन के नीचे मैं बेच दूंगा, 199 पे मैं बेच दूंगा, किसी से नहीं पूछूंगा, मुझे लॉस बुक करना है भाई, ठीक है। मैं अब यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपका कुछ पैसा बच जाएगा ना। उसके नीचे ब्रेकडाउन भी होगा, स्टॉक गिर भी सकता है, हो सकता है ब्रेकडाउन ना हो ना गिरे,
रिवर्सल हो जाए, उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी है ना, आप सुनिए ध्यान से। 200 के नीचे जाते ही स्टॉक को आपने काटना है और 200 के ऊपर आते ही खरीदना है। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बार बार यही करता रहा, तो कोई भी स्टॉक एक बार दो बार तीन बार इससे ज्यादा करता नहीं है, एक ही लेवल को बार बार रोटेट 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 रोटेट। और इनकेस ऐसा होता है ना, तो वो अपने नए लेवल्स निकालता है। फॉर एग्जाम्पल 191 तक गया, आपने बेच दिया, अगले दिन स्टॉक 205 पे आ गया, 191 199 का SL हो जाएगा आप, या फिर जो 199 पे क्लोजिंग मिली है ना उस दिन उसने जो लो लगाया, फॉर एग्जाम्पल 195 का लो लगाया है, 199 पे बंद हुआ है, तो अब आप 200 मत देखो, 195 देखो बस। ऐसे अगर इनकेस आपका लॉस कटता भी है ना, तो मुझे लगता है मैक्सिमम एक या दो बार। लेकिन यहां या तो आप बड़ा पैसा बना लोगे या आप बड़ा पैसा बचा लोगे, इन दो में से एक सिचुएशन हो जाएगी, और ये सबसे सेफ व्यू है। अब आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू अभी इस स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल जो फिलहाल सबसे क्लोज निकल के आ रहा है वो 225 का है, और फॉलोड बाय 220 रुपीज का है। जिसको जो अच्छा लगता है उसके साथ इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह होगी। तो ये मेरी वीडियो टाटा पावर के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। एंड आज शाम 7 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, तो प्लीज जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए कर लीजिए, लाइव बात करने वाले हैं आज हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।